मायसेल्फ मिस्टर महिपाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज खेत्री। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत में निर्यात एक्सपोर्ट्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। भारत में एक्सपोर्ट्स इन इंडिया सदियों से ऐतिहासिक रूप में हम देखें, किसी न किसी रूप में हर देश ने अपने निर्यात बढ़ाने की कोशिश की है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक विचारधारा वणिकवाद जो आई प्रारंभ में, सबसे प्रारंभ में आई, जिसमें छोटे मोटे व्यापारियों ने अपने एक विचार व्यक्त किए और कुछ लिखा। उन्होंने कहा था कि जो देश ज्यादा से ज्यादा बहुमूल्य धातुओं का संग्रह करेगा वह देश उतना ही शक्तिशाली, और उसके लिए उस समय राजा महाराजाओं का जो शासन था, राजाओं ने दूसरे क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया और लूट खसोट की एक परंपरा हो गई। भारत में भी उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से उस विचारधारा के विरुद्ध लोगों का रिएक्शन आया और वो विचारधारा बदल करके प्रकृतिवाद हो गया, और प्रकृतिवाद में कृषि को महत्व दिया गया कि कृषि ही सब कुछ है, जो शुद्ध उत्पादन होता है वो कृषि में होता है। हम भारत के, हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो परंपरावादी विचारधारा के लोग थे, चाहे एडम स्मिथ है, रिकार्डो, माल्थस, जो भी है, सभी ने विदेशी व्यापार के फेवर में बात कही है, और हर अर्थशास्त्री निर्यात बढ़ाने की बात कहता है, क्योंकि निर्यात से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, व्यापार संतुलन है, वो हमारे फेवर में रहता है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी प्रतिकूल हो गई और मात्र हमारे पास $1 अरब ही विदेशी मुद्रा का संग्रह था, जो उस केवल आयात करने के लिए मात्र 7 दिन के लिए ही पर्याप्त थी। और उस सरकार ने इंग्लैंड के पास सोना गिरवी रख करके और विदेशी मुद्रा प्राप्त की थी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि निर्यात कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भारत के निर्यात मूल्य की दृष्टि से। यदि हम देखें तो 18-19 में कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न व आभूषण, कृषि व संबंधित वस्तुएं तथा मशीनरी और उपकरण, ये हमारे निर्यातों में प्रमुख स्थान रखते हैं। अलग अलग वस्तुओं के बारे में हम बात करें, हमारे निर्यात की जो प्रमुख वस्तुएं हैं उसका हम एक विवेचन कर सकते हैं। फर्स्ट है जूट का सामान, जूट का कपड़ा व जूट के थैले भारत से विदेशों में निर्यात किए जाते हैं, और इस सामान के जो ग्राहक हैं वो हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र, जापान आदि को भारत निर्यात करता है। जूट के माल के प्रतिस्थापन पदार्थ निकलने से इसके निर्यात में काफ़ी कठिनाई होने लगी है, और हाल के वर्षों में इस मद का निर्यात बहुत कम हो गया है।
इसके साथ कुछ देश ऐसे हैं जहाँ जूट, जैसे बांग्लादेश है, हमारा एक कंपिटिटर है, वहाँ जूट काफ़ी उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से जूट के सामान का हम निर्यात करते हैं। चाय व मेट, विदेशी मुद्रा अर्जित करने का ये हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसका स्थान है। परंतु विश्व में चाय की जो मांग है उसमें अस्थिरता होती है, और हमारे चाय के कंपिटिटर्स भी कई देश हैं जो विकासशील देश हैं। तो इस प्रकार से इसकी निर्यात की राशि प्रतिवर्ष घटती रहती है। 2018-19 में हम देखें चाय मेट का निर्यात 5,828 करोड़ रुपए का हुआ। भारतीय चाय का निर्यात यूके, रूस, नीदरलैंड, अफगानिस्तान, मिस्र, जर्मनी, सूडान आदि को होता है, और हमारी जो प्रतिस्पर्धा है वो श्रीलंका है, कीनिया है व चीन, इससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, क्योंकि इन देशों में भी काफ़ी मात्रा में चाय का उत्पादन होता है और वो लोग भी निर्यात करते हैं। थर्ड है सूती वस्त्र व रेडीमेड पोशाक। भारत इसका निर्यात रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सूडान आदि को करता है। 18-19 में सूती यार्न वस्त्रों व निर्मित वस्तुओं आदि का निर्यात 68,786 करोड़ रुपए का, और रेडीमेड पोशाकों का निर्यात 1,12,700 करोड़ रुपए का हुआ था। तो इस प्रकार से निर्यातों की यदि मद में हम देखें तो इस मद का सूती वस्त्र और रेडीमेड पोशाकों का काफ़ी ऊंचा स्थान रहा है। हमारे सूती वस्त्र जो है वो विश्व स्तर पर फेमस हैं, और WTO के जो प्रावधान लागू किए गए हैं उसमें हमें इससे लाभ मिला है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक इम्पोर्टेंट आइटम है। कच्चा लोहा, उसका भी हम निर्यात करते हैं। भारत से कच्चा लोहा जापान, कोरिया, चीन व मध्य पूर्व के देशों को भेजा जाता है। 18-19 की हम बात करें तो ये 9,265 करोड़ रुपए का इसका निर्यात हुआ था। अगला है चमड़ा व चमड़े का सामान, जूतों सहित। इसका निर्यात हम अमेरिका, हॉलैंड, जर्मनी व फ्रांस को करते हैं। 18-19 में इसके निर्यात का मूल्य था 35,934 करोड़ रुपये। अगला है खली, 2018-19 में इसका निर्यात 10,577 करोड़ रुपए का हुआ था। तंबाकू, इसका निर्यात हम अमेरिका, रूस, बांग्लादेश, जापान को करते हैं। 18-19 में 3,984 करोड़ रुपए का ये निर्यात हुआ था। हमारी जो तंबाकू है वो रोडेशिया व अमेरिका की वर्जीनिया तंबाकू से सस्ती होती है, परंतु क्वालिटी में घटिया होती है, इसलिए हमें निर्यात में प्रॉब्लम आती है। कपास, कपास का जो है वो हमारे छोटे रेशे का कपास उत्पादन होता है, जबकि अन्य देशों में जो विकसित देश हैं जहाँ कपास का उत्पादन होता है, चाहे अमेरिका है या दूसरे हैं, उनमें बड़े रेशे का होता है। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि उनकी तुलना में हमारा एक जो कपास है वो घटिया किस्म का होता है, लेकिन फिर भी हमारा निर्यात ब्रिटेन व जापान को किया जाता है। और 18-19 में अपिष्कृत कपास का जो निर्यात था वो 14,628 करोड़ रुपये का किया गया। काजूगिरी, भारत पूर्वी अफ्रीका के देशों जैसे मोजाम्बिक व टेंगेनिका से कच्चे काजू मंगाता है, और इनको प्रोसेस व तैयार करके अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी, जापान आदि देशों को निर्यात करता है। 18-19 में इसका निर्यात 4,906 करोड़ रुपए का हुआ था। चीनी, 18-19 में इसका निर्यात 10,106 करोड़ रुपए का हुआ था, जो पिछले साल से लगभग दुगुना था। मशीनरी, परिवहन व धातु निर्मित मार्ग, इनका जो है निर्यात 18-19 में
6,46,000 करोड़ रुपए का हुआ था। दस्तकारी व रतन तथा जवाहरात का माल 18-19 में इनका निर्यात 2,81,408 करोड़ रुपए का हुआ था। भारत के अन्य निर्यातों में मछली व मछली निर्मित वस्तुएं, चमड़ा व चमड़े की वस्तुएं, कॉफी, चावल, मसाले, रसायन व सहायक पदार्थ, लोहा व इस्पात आदि आते हैं। 18-19 में मछली और मछली से निर्मित पदार्थों का निर्यात 47,663 करोड़ रुपए का हुआ था और इसके लिए जापान हमारा प्रमुख ग्राहक है। 18-19 में चावल का निर्यात हमारा 53,990 करोड़ रुपए का हुआ था। मसालों का निर्यात 23,218 करोड़ रुपए का हुआ था। खनिज ईंधन व चिकनाई का निर्यात 3,35,148 करोड़। तो इस प्रकार से भारत के जो निर्यात हैं वो बढ़ रहे हैं, परंतु हमारे आयात उससे कहीं ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा व्यापार जो संतुलन है वो हमारे अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है। धन्यवाद।